वेलकम टू कैट ट्यूटोरियल्स डॉट को डॉट इन। आज हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑटो कैट की सीखेंगे, जिसमें से हम ये सीखेंगे कि ऑटो कैट में जो मेनू होते हैं, कौन सा आइटम, कौन सी कमांड, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर उपस्थित होता है। तो सबसे पहले जो बेसिक बात करते हैं, ऑटो कैट स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा है एप्लीकेशन मेनू। आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए तो आपका ये कंप्लीट एप्लीकेशन मेनू आ जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे न्यू, दिस न्यू कमांड का यूज़ होता है कोई भी ड्राइंग, ब्लैंक शीट ओपन करने के लिए। उसके बाद होता है ओपन, हमारी पहले बनी हुई ड्राइंग है उन सबको ओपन करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। सेव, जो ड्राइंग हमने बनाई उसको सेव। सेव एस, जो ड्राइंग बनाई उसमें मॉडिफिकेशन किए तो पुराने ड्राइंग को डिस्टर्ब किए बिना नया ड्राइंग सेव करने के लिए हम सेव एज कमांड का यूज़ करते हैं। इस तरह बहुत सारी कमांडें हैं, प्रिंट कमांड है, पब्लिश कमांड, यूटिलिटी आदि आदि, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है ये सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे रिबन्स बने हुए हैं। तो इस कम्प्लीट सेक्शन को रिबन सेक्शन बोलते हैं। और जैसे देखिए, इसमें मॉडलिंग रिबन है, मेश रिबन है, सॉलिड एडिटिंग रिबन है, ड्रॉ रिबन है, सो ऑन। तो यहाँ पर हमारी ऑटोकैड की कंप्लीट कमांड अवेलेबल होती हैं, है ना। तो इस तरह ये हमारा रिबन टैब कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारा कंट्रोल पॉइंट होता है, ऑटोकैड की ड्राइंग को कंक्लूड करने का पॉइंट होता है, इसे ड्राइंग एज कहते हैं। ये दिस एज इज नोन एज ड्राइंग एज। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम कैड को बड़ी आसान तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर है ग्रिड डिस्प्ले है, ऑर्थो मोड है, पोलर ट्रैकिंग है, एट्सेट्रा, जिसे हम अभी आगे नेक्स्ट फेज में अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, ये टॉप व्यू और 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है, इसको इन कैनवास कंट्रोल कहते हैं। यदि हम यहीं पर शीट में किसी दूसरे मेनू में जाने के पहले हम डायरेक्टली यहाँ से 2D कॉन्सेप्चुअल, रियलिस्टिक, हिडन आदि आदि व्यू टाइप में अपन जा सकते हैं। इसी तरह व्यू का सेक्शन जो होता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, तो यहाँ से हम डायरेक्टली जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर व्यू में जाइए और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आप जा सकते हैं। लेकिन जब हम ड्राइंग में काम करते हैं तो हमें यहाँ व्यू जाने में बहुत समय लगता है, तो उस समय को बचाने के लिए हम डायरेक्टली यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग एज। उसके बाद हम आते हैं कमांड बार। ये कमांड बार है, यहाँ पर हम कोई भी कमांड देंगे। जैसे मान लीजिए मैं लाइन कमांड देता हूँ तो L और इंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारी लाइन कमांड एक्टिव हो गई। मतलब ये जो एरिया है ये कम्प्लीटली लाइन कमांड का एरिया है और यहाँ पर हम कोई भी कमांड दे के आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हमारा एक आता है, दिस इज नोन एज व्यूपोर्ट सेटिंग, जिसमें हम एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर क्विक व्यू ड्राइंग करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है मॉडल व्यू में जाना है या लेआउट व्यू में जाना है। लेआउट 2, लेआउट 3, 4, 5 अपन इसमें बना सकते हैं, तो ये यहाँ से जा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से पर भी जा सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये मॉडल है, ये लेआउट 1 है, लेआउट 2 है। इस तरह यहाँ क्रिएट करके बहुत सारे लेआउट हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे एट द लास्ट लेक्चर, जब हम इसका किसी भी ड्राइंग का प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करेंगे। ये एनोटेशन टूल बार है, जिसमें हम एनोटेशन स्केलिंग करते हैं, तो जब हम स्केलिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, एनोटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, उस समय हम इसका अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये है वर्क स्पेस स्विचिंग, जहाँ पर हम 2D मॉडल, 3D बेसिक करेंगे तो कम्प्लीटली लेआउट जो होता है ऑटोकैड का उसी बेसिस पे डेवलप हो जाता है। जैसे अभी 3D बेसिक में बेसिक कमांड्स आ गई हैं, कंप्लीट कमांड नहीं आई हैं, उसके वजह से ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाएंगे तो कम्प्लीटली 2D की कमांड यहाँ पर हमें सामने दिखाई देंगे। देख रहे हैं आप, 3D की कमांड नहीं दिखाई दे रही, तरह हम वर्क स्पेस की सेटिंग करते हैं और आगे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक
ऑटोकैड का बेसिक। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कमांड्स के बारे में और डिस्कशन करेंगे इन सभी मेनू बार के बारे में। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अधिक से अधिक जानने के लिए आगे हमें आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।